सकते हैं कितनी पावर लगानी पड़ रही है, तो लगता है नहीं खींच पाएंगे। और ये इशारा कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं 5 ट्रक लगाए हैं और अब इसको खींच लिया गया है। फिर पूरा पुलिस प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है। और एक ये एक पीछे ट्रक देखे ऐसे लगाए जाते हैं, और पूरा पुलिस प्रशासन आप यहाँ से तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पूरा पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर तैनात है, और इसकी जो कुछ भी व्यवस्थाएं करनी है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, तो पुलिस प्रशासन उसके लिए यहाँ पर लगाया गया है। और जो ये दूसरा बॉयलर है इसकी हुक टाइट की जा रही है ताकि इसे खींचा जाएगा अभी, और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चलेगा और कैसे मोड़ेंगे। तो ये बड़ा सवाल है, ये जो मोड़ आपको दिखाई दे रहा है आखिर इसके ऊपर से ये कैसे मुड़ेगा, तो ये सवाल है। क्योंकि ये इतना 500 के लगभग इसके टायर बताए जा रहे हैं, और आखिर ये मुड़ेगा कैसे। जो ये मोड़ है जहाँ ये ट्राले है इन्हें भी जो परेशानी होती है मुड़ने में, तो ये कैसे उधर तक गया है और ये कैसे मुड़ेगा, वो आपको पूरी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। आप तस्वीरें शेयर ज़रूर करते रहें जितने भी साथी लाइव तस्वीरों में जुड़े हुए हैं। और विशाल काय बॉयलर आप देख सकते हैं, जहाँ कहीं जिस भी शहर में ये बॉयलर जाता है ये मशीन जाती है। देखिए इसके ट्रक हटाए गए हैं, पीछे से खींचा जा रहा, और देखिए इसके टायर आप यहाँ से देखेंगे तो टायर, एक एक टायर इसका जो है मुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि अलग अलग से इनके सभी के स्टेयरिंग हो, जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये देखिए इसके टायर बिल्कुल मुड़े हुए हैं, अगर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो जो आगे की एक बोगी है 9 हैं जिसमें 9 टायर हैं, तो वो मुड़े हुए हैं, और बाकी जो पीछे के हैं वो सीधे हैं। और कैसे मोड़ेंगे इसको तो वो भी आपको दिखाएंगे। तस्वीरें शेयर जहां कहीं से भी आप जुड़े हैं, अपने नाम के साथ अपनी पहचान भी बताते रहें कि कैसे कहां से आप जुड़े हैं और आपने ये नज़ारा पहले कभी देखा है या नहीं देखा है। यहाँ के इंजीनियर से भी बात करेंगे, पूरी स्पेशल टीम इंजीनियर की यहाँ पर लगी हुई है आप देख सकते हैं। और कुछ ही देर में जो है ये जो मोड़ है यहाँ पर, तो कैसे इसको यहाँ तक लेकर आएंगे तो वो आपको दिखाएंगे कि कैसे टेक्निक काम करती है, कैसे मुड़ता है इतना बड़ा ट्रक, इतना बड़ा जो बॉयलर जिस पर रखा हुआ है, तो वो पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और अभी तक जिन लोगों ने इसको देखा था उनके मन में सवाल थे कि ये मुड़ता कैसे होगा, तो वो आपको दिखाएंगे कि ये मुड़ता कैसे है और कैसे इसको जो है जितने भी मोड़ आते हैं वो कैसे इसको सीधा किया जाता है और मोड़ा जाता है, फिर किस प्रकार ये सीधा चलने लगता है। तो यहाँ से तो पूरा आगे 3 ट्रक लगाए हुए हैं, और पुलिस प्रशासन की जिप्सी आप यहाँ देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन की जीप जो यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी प्रकार का कोई जो वाहन कंट्रोल है उसको कर सके पुलिस प्रशासन। तो यहाँ से आप इसका पूरा जो है वो नज़ारा देख सकते हैं, और पूरा फ्रेम में है। और अब जो है ये ट्रक जो ये मोड़ है आपको जो ये मोड़ दिखाई दे रहा है, तो अब इसके ऊपर इस मोड़ पर इसको मोड़ा जाएगा। तो ये बड़ा कारनामा है कि कैसे इसको मोड़ा जाएगा। स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर मौजूद हो गया है, और जो बिजली की तारें हैं वो हटा दी गई हैं, ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना घट सके। जितने भी साथी जुड़े हैं तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपना नाम पता भी बताएं कहां से जुड़े हैं। अगर किसी साथी ने इससे पहले हमारे चैनल के अलावा कहीं पर ये दृश्य देखा है तो वो भी ज़रूर बताएं। तो ये वो विशाल काय बॉयलर है जो जिस किसी शहर से भी गुजरता है उसी शहर में जो है ब्लैक आउट हो जाता है, वहाँ की ट्रेनें रुक जाती हैं, बिजली गायब हो जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है। तो आज इसी प्रकार का जो है दृश्य आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरों के माध्यम से। तो खींचा जा रहा आप देख सकते हैं, और इसकी पावर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 3 ट्रक है 520 हॉर्स पावर का, 520 हॉर्स पावर का एक ट्रक है और 3 ट्रक
इसमें लगाए हुए हैं लेकिन वो भी इसे खींच नहीं पा रहे हैं, तो और ट्रक लगाने पड़ेंगे या पीछे से जो कूलर है वो लगाना पड़ेगा। तो वो पूरी जो है तस्वीरें इसके माध्यम से आपको दिखाएंगे और लगता है और ज़्यादा ट्रक लगाने पड़ेंगे इसे खींचने में। तो आप अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं, 520 हॉर्स पावर का एक ट्रक है और खींचने में जो है जोर लगाना पड़ रहा है, 520 हॉर्स पावर के तीन ट्रक भी इसे नहीं खींच पा रहे हैं। तो लगता है और ज़्यादा ट्रक लगाने पड़ेंगे और अगर यहाँ से मुड़ेगा, ये आप देख सकते हैं जो ये सड़क है इस पर के ऊपर से ये मुड़ेगा और फिर जो सामने वाला बॉयलर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर जाएगा, उसके पीछे इसको खड़ा किया जाएगा। जितने भी साथी जुड़े अपनी प्रतिक्रिया के साथ साथ अपना नाम और कहाँ से आप देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो ये देखिए यहाँ से तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे रही होगी, जो दुनिया का सबसे जो विशालकाय बॉयलर है आज नरवाना के रास्ते तो अमेरिका से गुजरात तक इन्हें बंदरगाह पर लाया गया जो समुद्री जहाज़ है उनके ज़रिए, और अब जो है ये बड़ा जो ट्रक ट्राला पता नहीं क्या बोला जा रहा है, कुछ भी बोल दो इसे, वो भी कम है, तो इसके ऊपर इसे लाद कर जो है गुजरात से पानीपत ले जाया जा रहा है। पिछले एक साल से जो है ये ट्रैवलिंग में है, चल रहा हुआ है, लगातार चल रहा है और अब ये नरवाना पहुंचा हुआ है। आज नरवाना शहर जो है क्रॉस करवाना है, इसके बाद जो है जो सिरसा ब्रांच नहर नरवाना में विशेष पुल इसके लिए बनाया हुआ है, उस पुल के ऊपर से ये गुजरेगा, वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। तो अब देखिए ये ट्रक को और थोड़े थोड़े चले हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पावर लगानी पड़ रही है। तो लगता है नहीं खींच पाएंगे और ज़्यादा ट्रक जो है लगाने पड़ेंगे, 520 हॉर्स पावर का एक ट्रक है और बताया जा रहा है कि ये हिल भी नहीं रहा है क्योंकि ये सड़क थोड़ी सी इधर ढलान बनती है और ये इन तीन ट्रकों से हिल भी नहीं रहा है और ज़्यादा ट्रक जो है और ज़्यादा ट्रक आपको दिखाएंगे कैसे घुमाएंगे इसको, इतने बड़े सिस्टम को आखिर कैसे घुमाया जाता है वो आपको लाइव दिखाएंगे। तस्वीरें शेयर ज़रूर करते रहें, इससे पहले भी आपको दिखाया था और इसके बाद आपको वो भी दिखाएंगे कि जो नहर पुल है तो इसके लिए स्पेशल बनाया गया है, विशेष रूप से जो है इन दो बॉयलर के लिए वो बनाया गया है, तो उन पर से कैसे गुजरेगा ये बड़ा सा विशाल काय बॉयलर वो भी आपको दिखाएंगे। तस्वीरें शेयर ज़रूर करते रहें जितने भी साथी जुड़े। न्यूज़लाइन इंडिया द्वारा नरवाना शहर से आपको ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दिलचस्प नज़ारा दिखाया जा रहा है जो तीन ट्रक भी इसे नहीं खींच पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि और ज़्यादा ट्रक, तो ये एक ट्रक और आया है शायद ये खींचेगा, एक ट्रक और है और 520 हॉर्स पावर और इसकी बढ़ाई जाएगी, उसके बाद जो इसे खींचा जाएगा और फिर देखते हैं इसे खींच पाता है या और ज़्यादा पावर इसे लगानी पड़ेगी। जैसा आपने पिछली बार पुल पर देखा था तो 7 ट्रक लगाने पड़े थे वहाँ पर इसे खींचने के लिए, जो इससे हल्का था ये उससे भी ज़्यादा भारी है, वो 800 टन के लगभग का था और ये 1000 टन से ऊपर का इसका वज़न है जो बताया जा रहा है। तो अब चौथा ट्रक है जो लगाया जा रहा है, तो वहाँ से लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे जितने भी साथी जुड़े हैं। तो चौथा ट्रक 500 हॉर्स पावर इसकी पावर है 500 और तीन लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं तीन लगे हुए हैं, अभी चौथा लगाया जाएगा और खींच पाएगा, पीछे भी ला दिया, कूलर भी ला दिया, तो 5 लगा दिए गए हैं, एक कूलर लगाया गया है और 4 आगे से खींचेंगे, एक पीछे से धकेलेगा, तो 5 लगा दिए गए हैं, अभी 3 थे तो अभी 5 लगा दिए गए हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इनकी पावर है और कितनी ज़बरदस्त जो है ये वेट है जिसे खींचने का काम जो है किया जा रहा है। पिछले एक साल से अधिक का समय नहीं हो गया आज़ाद कि सर क्या माजरा है ये, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉयलर है, दुनिया का सबसे भारी चीज़ है ये जो तस्वीरों में आपको दिखाई जा रही है। तो इसको आज जो है नरवाना शहर क्रॉस करवाया जाएगा, नरवाना में ब्लैकआउट हो गया है, बिजली सप्लाई बाधित है, ट्रेनें रुक गई हैं, ट्रैफिक बिल्कुल जाम है, तो आप देख सकते हैं उनकी दिशा बदली गई है जो तस्वीरों में आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो अब जो है
5 ट्रक लगाए गए हैं, एक ट्रक पीछे लगाया गया है और एक और ट्रक, तो हजार और ये इशारा कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं 5 ट्रक लगाए हैं और अब उसको खींच लिया गया है, तो खींच दिया है 5 ट्रक, 3 की जगह 5 ट्रक लगाने पड़े और खींच दिया पूरा सिस्टम। तस्वीरें शेयर जरूर करें, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, 5 ट्रक लगाने पड़े हैं और ये बिल्कुल समतल जगह है, इसी पर 5 ट्रक लगाने पड़े तो पुल पर ले जाने के लिए कितनी पावर लगानी पड़ेगी उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो 10 ट्रक भी शायद वहाँ पर लगाने पड़े, 10 ट्रक भी वहाँ पर कम पड़ सकते हैं। और थोड़ा सा खींचा है उसके बाद फिर से जो है बंद हुई है हलचल। तस्वीरें शेयर जरूर करते रहें, थोड़ा सा खींच पाए हैं, 500 ट्रक लगाए गए हैं और अब दोबारा से जोर लगाएंगे। आप देखेंगे इन तस्वीरों में 5 ट्रक लगाए गए हैं, एक पीछे है, 4 आगे ट्रक लगाए हैं, तो इसके बाद जो है खींच पाए हैं। और उससे पहले वाले ट्रक थे वो आसानी से जो है खींच लिए जाते थे, लेकिन ये इतना विशाल काय है जिसकी आप तस्वीरें देखेंगे, टायर इसके देखेंगे जिसे खींचने के लिए, पीछे भी ट्रक लगा हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे कि वो हटा दिया है पीछे वाला शायद, तो पीछे का ट्रक जो है हटा दिया है जिसने किया था। तस्वीरें शेयर जरूर करते रहें, तो अब कैसे मोड़ेंगे वो आपको दिखाएंगे कि कैसे मोड़ा जाता है ये पूरा सिस्टम, और इतना बड़ा जो दुनिया का विशाल का है जो ट्रक है, बॉयलर है, तो उसको कैसे मोड़ा जाएगा वो आपको दिखाएंगे। तस्वीरें शेयर जरूर करें, ये नज़ारा आपने देख लिया तो दूसरे लोगों को भी दिखाने के लिए आपको शेयर करनी है। और पीछे जो ऑपरेटर हैं आप देख सकते हैं, तो ऑपरेटर हैं वो इसको हैंडल करते हैं, वो कैसे मोड़ना है कैसे, तो अभी इसको सीधा किया गया है और अब जो है कैसे इसको मोड़ेंगे वो आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। तस्वीरें शेयर जरूर करते रहें, जितने भी साथी बस जुड़े हुए हैं, लाइव तस्वीरें न्यूज़ लाइन इंडिया द्वारा नरवाना से आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर जो विशाल काय बॉयलर है उसको मोड़ा जा रहा है और पिछले एक घंटे से जो है ये मशक्क़त की जा रही है। NHAI की टीम है, पुलिस प्रशासन है और इंजीनियर की टीम है, जो रिफाइनरी लगाई जा रही है पानीपत में, जो रिफाइनरी के लिए बॉयलर पिछले एक साल से चले हुए हैं और इससे पहले 2 गए थे, वो 800 टन के लगभग उनका वेट था और इनका वेट जो है 1000 टन से ऊपर बताया जा रहा है। और जो पुल पहले सिरसाबराज नहर पर बनाया गया था तो उसी के ऊपर से जाएंगे और बताया जा रहा है कि उस पुल की मुरम्मत की जाएगी और ज़्यादा मजबूत उस पुल को बनाया जाएगा, जिसके बाद ये नरवाना शहर से इनकी क्रॉसिंग होगी। तो कैसे होगी वो पूरी लाइव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो स्थानीय पुलिस प्रशासन है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तो यहाँ पर मौजूद है और अब जो है कैसे इनको वापस लेकर आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे।